तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को भी सुनिए। थरूर ने जल्द ही अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही है, साथ ही यह भी कहा कि पार्टी में चुनाव वैसे ही होना चाहिए जैसे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने हाल ही में अपना प्रधानमंत्री चुना है। प्रियंका पर भी थरूर ने अपनी बात दोहराई है, खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर वैक्यूम बना हुआ है, आपने कुछ सुझाव दिए हैं, क्या है आपके सुझाव? देखिए, सुझाव यह है कि जो अभी चल रहा है बिल्कुल ठीक नहीं, अच्छा नहीं है पार्टी के लिए, अच्छा नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आपने देखा कि गोवा में हमारे विपक्ष के नेता खुद चले गए कई एमएलए इसको लेके, और कर्नाटक में जो कुछ हुआ पूरा देश देखा है। तो इस वैक्यूम नहीं चलना चाहिए राजनीति में। नेतृत्व दिखाने के लिए, एक्शन लेने के लिए, जवाब देने के लिए कोई अध्यक्ष होना चाहिए, या टेम्पररी या परमानेंट हमें कोई नहीं होना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हो गया है। तो इस सिचुएशन में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से अगर एक वर्किंग कमेटी जल्दी एक इंटरिम प्रेसिडेंट को रखा दे इसी हफ्ते कोई भी, क्योंकि उनका काम तो टेम्पररी होगा, और उसके बाद एक चुनाव का प्रोसेस आरंभ करें। चुनाव का प्रोसेस मैं कह रहा हूं कि कोई भी जो पार्टी के अंदर जो क्वालिटी दिखाएं, जो अभी अध्यक्ष होने का कामयाबी अपने आप में समझते हैं, वो आके अपने नाम देने दो, और हमारे प्रादेशिक कांग्रेस डेलीगेट्स जो होते हैं, पीसीसी डेलीगेट्स करीब 10,000 लोग हैं, वो सब एक चुनाव करें। कंजर्वेटिव पार्टी इंग्लैंड में ऐसे ही किया था, और बहुत मतलब दिलचस्प रहा, वो पार्टी जिस बुरे हालत में थे लोग को इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये भी हमारे देश में भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के चुनाव देख के बहुत लोग हमारे पार्टी की तरफ वापस आए जो हमें छोड़ के चले गए थे, और अंत में जो भी जीता आदमी, औरत, युवा या बुजुर्ग, वो प्रश्न नहीं है, अंत में जो भी जीता उनकी लेजिटिमेसी, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़े होंगे। जैसे कि सोनिया गांधी जी जब जितेंद्र प्रसाद साहब को हरा के अध्यक्ष बने, कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी और शक्ति के साथ वो अध्यक्ष बन गई थी, ऐसे अध्यक्ष बनना मेरे ख्याल में कोई किसी को मौका देना चाहिए। प्रियंका गांधी भी एक ऑप्शन के तौर पर देखा जा सकता है उनको, अगर कमान मिले तो? क्यों नहीं, अगर वो तैयार है तो मेरे ख्याल में सारे कार्यकर्ता बहुत बहुत खुश होंगे, और वो शायद आराम से जीतेगी भी चुनाव, लेकिन चुनाव में आने से यह है कि उनके हाथ में शक्ति और क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और ये भी है कि अगर गांधी परिवार कहते हैं कि उस परिवार से कोई नहीं आना चाहेंगे, तब तो हमारी पार्टी कुछ नहीं मतलब करेंगे क्या? पार्टी तो पार्टी का अध्यक्ष की जरूरत है, और एक नेतृत्व फाइंड आउट करने के लिए हम एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, उस प्रोसेस में कोई भी भाग ले, और प्रियंका जी आए तो बहुत खुश होंगे कई लोग, मैं भी, लेकिन अभी वो लोग कह रहे हैं कि उनको इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये किसी और को करने दीजिए, तो किसी और